बड़ी जद्दोजहद के बाद आज सारे आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज फिर से एक बार ये साबित हो चुका है कि बुराई की बूंद चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, अच्छाई की एक छोटी सी किरण ही काफी होती है। और आज हर बार की तरह एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। बेटा अपने घर चलो पापा के साथ प्लीज। कौन सा घर? बेटा अपने घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी रणबीर। बेटा सुनो, टेररिस्ट पकड़ा जा चुका है, पुलिस ही अरेस्ट कर। जब तक रणबीर अंदर से सही सलामत बाहर नहीं आ जाता और मैं खुद उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेती ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा उसकी फैमिली आ चुकी है, वो संभाल लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने घर चलो प्लीज काया, ये सिचुएशन यहाँ पे डेंजरस है। चल पुत्र चल 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 यार। अरे अरे रुके रुके, कहाँ जा रहे हो? जाने दो, मेरा रणबीर अंदर है। नहीं मैडम अंदर जाना अलाउ नहीं है। नहीं हमें जाने दो। देखिए प्लीज प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, वो मेरा बेटा अंदर है, मुझे देखने दो। जीजिए वो ठीक है कि नहीं? आप एकदम पूछता सकती है, बात नहीं रहा है बात। मैडम अंदर जाना अभी किसी को अलाउ नहीं है। अरे अलाउड नहीं है तो मेरे बेटे को कैसे अंदर जाने दिया? और जाके देखे ना कहाँ गया है वो, उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप यहाँ पे खड़े हैं सर, कहाँ ना नहीं जाना अलाउ है तो नहीं है। अरे पकड़ो इसे। अरे मेरा भाई अंदर है। अरे अभी प्राची कहाँ चली गई? इतने सालों के बाद मिली थी, अब ढूंढू कहाँ इसे? Excuse me, मैम आपने प्राची को देखा? प्राची कहाँ पे? कौन प्राची? वो प्राची जिसने आपको बचाया, जो आपके साथ थी, पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी उसने। मैं किसी प्राची को नहीं जानती। कैसी बातें कर रही हैं आप, नहीं जानती? आपके साथ थी वो पूरे टाइम। देखिए ना ये, रुके एक सेकंड, ये लड़की प्राची। मैंने इसे नहीं देखा, मैं इसको नहीं जानती हूँ। आपको बचाया इस लड़की ने, आपके साथ घूम रही थी ये, याद आया आपको? मुझे लग रहा है कि तुम इमेजिनेशन कर रहे हो। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैंने इसको देखा है आपके साथ, ये आपको बचा रही थी और आप कह रही है मेरा भ्रम है। कई बार ऐसा होता है जिसे हम मिलना चाहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं, हम एक्सट्रीम सिचुएशन उसे इमेजिन कर लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, वो हमारा भ्रम होता है। मैं डॉक्टर हूँ और मैंने ऐसे केसेस हैंडल किए हुए हैं, बहुत दिखे हुए हैं। कैसे बोल रही हैं आप? वो आपके साथ थी, मैंने देखा उनको, उन्होंने बचाया है आपको। फिर उसने मुझे बचाया होता तो मुझे याद होता, मुझे पता होता। अगर कोई लड़का मेरे बारे में पूछे तो बस उसको इतना बता दीजिए कि वो उसका इमेजिनेशन था, मैं उसे कभी नहीं मिली थी। कभी कभी होता है ना कि आप भ्रम में जीते हैं, कभी कभी आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जिंदगी और मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आपको हर जगह वही इंसान दिखाई देता है जिसे आप देखना चाहते हैं, जो आपके जहन में है, लेकिन असल में वो सिर्फ आपके जहन में होता है, असलियत में नहीं। तो प्लीज अगर किसी ने आपसे मेरे बारे में पूछा तो यही बता दीजिए कि मैं उसकी इमेजिनेशन में थी, भ्रम में थी, असलियत में नहीं। प्लीज डॉक्टर।